सरगुजा विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पर्चा थमा दिया गया। करीब एक घंटे तक हिंदी के प्रश्न पत्र का इंतजार करने के बाद गुस्साए छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और फिर से एग्जाम कराने की मांग की। मामला पीजी कॉलेज का है, जब सोमवार को एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। गलती से किस स्तर पर ये कहां हुई इसका जवाब किसी के भी पास नहीं। अब कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरे मामले को यूनिवर्सिटी प्रबंधन तक पहुंचाने की बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा कि छात्रों को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलता है या फिर इनको फेल ही कर दिया जाता है। बाकी छात्रों को परेशानी हुई हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, और इंग्लिश का पेपर तो था नहीं। अगर इंग्लिश का पेपर होता तो, अगर इंग्लिश रहता तो एक समझ में आता, लेकिन ये पूरी तरह संविधान का पेपर था। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें इंग्लिश का ही प्रयोग किया गया, हिंदी में इसमें प्रयोग नहीं किया गया। हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक घंटे के बाद अपने पेपर हॉल को छोड़ दिया है और अब हम सीधा जाएंगे सरगुजा विश्वविद्यालय और आग्रह करेंगे बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमारा पेपर जो हो वो एक सही दिनांक पे अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके सभी बच्चों का एक साथ देख करके वो पेपर हम लोगों का दोबारा हो। इनकी खबर हमने विश्वविद्यालय को दे दी है और विश्वविद्यालय से भी, क्योंकि थोड़ा विलंब हो रहा था और अचानक इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था, ऐसी स्थिति में छात्रों ने शुरू में तो बहिष्कार की बात की, लेकिन समझाइश दे करके उनको एग्जाम दिलाया गया। एक घंटे एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है और अपना उन्होंने एक आवेदन दिया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और जिस तरीके से आप लापरवाही की गई है उससे छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रामकुमार। रामकुमार, जिस तरीके से देखा जाए 20 से 25 मिनट तो सिर्फ उसमें डिटेल्स भरने में ही कॉपी में निकल जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि अब तक प्रश्न पत्र हमेशा दो भाषा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रश्न पत्र में लिखे रहते थे, लेकिन ये प्रश्न पत्र कैसा था जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही लिखी थी, हिंदी वाले प्रश्न थे ही नहीं। विश्वविद्यालय आए दिन इसी तरह की चर्चों में लगा रहता है जिसमें की लापरवाही देखने को मिलती रहती है। ये विगत कुछ दिन पूर्व जो है एलएलएम की पेपर होनी थी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम आपको के रुकना चाहूंगा। एसके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए रामकुमार जी, अपर संचालक स्वराज एक्सप्रेस, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए त्रिपाठी जी, यहाँ पर जो मामला सामने आया, वैसे प्रश्न पत्र हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न होते हैं, लेकिन इस पेपर में सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों था? अगर था भी, बच्चों का छूट तो गया, ये घंटे में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, 20-25 मिनट तो कॉपी फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं ऑप्शन भरने में निकल जाते हैं डिटेल्स में, अब क्या परीक्षा इनकी दोबारा होगी? नहीं, देखिए क्या है, ये प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालय से जो भी जैसा भी आया था निर्देश हमको मिले थे तो हमने इसको क्या कि पौन घंटे के अंदर हिंदी में लिखवाया था, लेकिन बच्चों ने क्या किया कि डेढ़ घंटे के बाद बोला कि नहीं इसको हम मान्य नहीं करेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र हिंदी में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। उनका आवेदन आया और उस आवेदन को हमने विश्वविद्यालय को प्रेषित किया हुआ है। अब इसे विश्वविद्यालय को निर्णय लेना है कि इस पे क्या किया जा सकता है। उसके लिए शायद विश्वविद्यालय ने एक कमेटी जो उनकी होती है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को बुलाया हुआ है और उसमें डिसीजन को लेंगे। त्रिपाठी, जिसमें लापरवाही किसकी मानते हैं? नहीं देखिए, इसमें मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय का है तो इसमें देखना होगा कि किस स्तर पे हुआ है, ये एग्जामिनर के थ्रू हुआ है या कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो अब इसको तो ये जांच का विषय होगा और ये जांच विश्वविद्यालय ही कर सकता है। इससे हम तो नहीं, नहीं बिल्कुल सही बात है, नहीं आप मैं बिल्कुल आप विश्वविद्यालय कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विश्वविद्यालय से आखिर गलती आई है तो वहां जिम्मेदार होगा ना कोई, कि आखिर ऐसे कैसे यहाँ पर बच्चों को ये पेपर भेज दिएगा इंग्लिश में। आपने कहा ट्रांसलेट आप करा रहे थे, अरे एक एक मिनट परीक्षा में भारी होता, ट्रांसलेट करा के कुछ का मारा कुछ समझ के उत्तर लिखा था। नहीं, हमने रजिस्ट्रार से बात किया था, उन्होंने बोला था क्योंकि लाखी एलएलएम की परीक्षाएं एक दो सेंटर पे ही है, इसलिए ऐसा करें कि बच्चों का अलग से पेपर न कराना पड़े, हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे और उस टाइम में इसका हिंदी रूपांतरण करके अगर दे दिया जाता है और उत्तर लेते हैं तो अच्छी बात है। वैसे बच्चों ने इसका बहिष्कार करना चाहा था कि हम बहिष्कार करते हैं, हमने कहा कि बहिष्कार नहीं करो, है ना, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम तो देना चाहिए और अपनी जो समस्या है उसको रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो छात्र भी क्या करते हैं, जब आपने ट्रांसलेट करा दिया वो जरूरी है कि वही समझे हो, आखिर कुछ का मारा वो कुछ समझ के लिखाए, तो जाहिर सी बात है कि उनका भविष्य दाव पर लग जाएगा।
बिल्कुल, इसके लिए हमें प्राइज भी नहीं है कि हम उनको हिंदी कराते, क्योंकि चूंकि विश्वविद्यालय से निर्देश था इसलिए हमने कराया, नहीं तो हमेशा तो एग्जाम होते हैं और जो भी त्रुटियां होंगी उस पर महाविद्यालय तो कुछ कर भी नहीं सकता ना, जब तक विश्वविद्यालय के निर्देश में नहीं होंगे। चलिए उम्मीद है कि इन बच्चों की परीक्षा दोबारा करा जाए जिससे ये संतुष्ट हो, उनके भविष्य पर किसी भी तरह का खतरा न मंडराए। चलिए त्रिपाठी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार के कई